तो वेलकम दोस्तों, तो फिर से वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे होंगे अंडर 10,000। तो मैं आपको 10,000 के अंदर बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ। और वहीं मैं बात करूँ तो इन स्मार्टफोनों में कुछ कैटेगराइज मतलब कैटेगराइज आपको देखने मिलेगा। कम से कम 6.5 इंच की आपको HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिले और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिले और कम से कम 3 GB RAM का स्मार्टफोन हो, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा और आप खुद डिसीजन ले सकते हो कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदना है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो हम एंड से चालू करेंगे, टॉप 5 से एंड टॉप 1 तक, एंड तक आपको वीडियो देखना है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आपको देखने मिलेगी। और वीडियो देखने में आई बटन पर एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो चलो स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ हमारी टॉप 5 लिस्ट में आता है वो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 GB RAM और बहुत अच्छा आपको देखने मिलता है। और वही बात कर तो ये 9,499 में आपको देखने को मिल जाता है और बहुत अच्छा आपको देखने मिल जाता है और बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने मिल जाता है। बैटरी भी आपको अच्छा देखने मिल जाता है, पीछे आपको क्वाड कैमराज भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये वाला स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। तो चौथे नंबर की स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो आप खरीद सकते हो मोटोरोला G8 पावर लाइट। आप देख सकते हो 4 GB RAM में आपको देखने मिलता है और मतलब 8,999 में ही आपको देखने मिल जाता है। 5,000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, बहुत अच्छी बैटरी आपको देखने मिलती है। 6.5 इंच की HD+ आपको डिस्प्ले भी देखने मिल जाती है। तो आप सोच सकते हो अगर खरीदना चाहते हो तो मोटोरोला का ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हो। तो तीसरे नंबर की मैं बात करूँ स्मार्टफोन वो आता है Realme C3। आप देख सकते हो 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको देने मिल जाता है और बहुत अच्छा प्रोसेसर पे आपको देने में मिडिटेक हेलोविल G70 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और प्राइस की मैं बात करूँ तो बहुत प्राइस भी आपको कम देने, 7,999 में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर का स्मार्टफोन तो आता है Realme 5i। आप देख सकते हो 4 GB में 64 GB इंटरनल स्टोरेज में और बहुत अच्छा आपको स्मार्टफोन देने में, 5,000 बैटरी, क्वाड कैमरे भी आपको देने को मिल जाते हैं, पीछे 6.5 की HD+ आपको डिस्प्ले देखने में, मिड ड्रॉप डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप सोच सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो 9,999 में आपको देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन। तो फाइनली आखिरकार नंबर 1 स्मार्टफोन होता है Realme Narzo 10a। बहुत अच्छा आपको स्मार्टफोन मिलता है, 3 GB RAM एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज में आपको देखने में, 5,000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, पीछे से 6.5 इंच की आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है HD+। तो आप सोच सकते हो और बहुत कुछ आपको देखने मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग का भी सिस्टम आपको देखने मिल जाता है। प्राइस की मैं बात करूँ तो 8,500 रुपये का आपको ये देखने मिलता है, 8,499 में आपको देखने मिलता है। तो आप सोच सकते हो ये रैंकिंग टॉप 1 में आता है। अब आपको बताइए रैंकिंग कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और बहुत ज़्यादा पसंद आती तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और वीडियो देखने आई बटन पे एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कीप स्माइल, कीप सपोर्ट।